नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। अपने पिता की उंगली को छोड़कर खुद चलने लायक हुए इस 9 साल के बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि पिता की वो उंगली जिसे पकड़कर उसे दुनिया के अभी बहुत सारे पहलू देखने और समझने थे सदा के लिए छूट गए जाएंगे। कोरोना काल का सबसे बुरा पहलू है एकांत की घुटना भरी मौत। एक आखिरी स्पर्श, एक आखिरी शब्द, एक आखिरी विदाई, कुछ भी नहीं करने देता कोरोना। मौत के इस नए नाम ने कैसे अधूरे कर दिए हैं अंतिम संस्कार, देखिए डीपी के किए विशेष पेशकश। मौत कई बहानों से आती है लेकिन जाते हुए लोगों को प्रायः अपनों के हाथ थामे रहते हैं। परिवार परिजनों का पूरा मनोविज्ञान ही यही है कि वो कष्ट में आसपास हो, दर्द बांटे, देखभाल करे। कोरोना ने लोगों के इस हजारों साल पुराने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामने बंद होती आंखों में आखिरी बार अपनों का अक्सर तक नहीं नसीब हो पाता। युद्ध या बड़ी दुर्घटनाओं को छोड़ दे तो शवों को इकट्ठा करके ले जाने का चलन नहीं हो रहा है, लेकिन मरे हुए लोग दरअसल अब अछूत गठरियां हैं। इनके नाम खत्म हो चुके हैं, चेहरे सपाट हैं या अकेले और एक से हैं। सबकी पहचान की एक ही साझा संज्ञा है, कोरोना। भय लोगों में है, परिजनों में है, इसके बीच नहीं। ये सारे मृत हैं, ये सारे कोरोना के काल की लंबी परछाइयां हैं। दुनिया की सबसे प्यारी चीज एक हंसते हुए छोटे से बच्चे का चेहरा है, लेकिन सोचिए अगर इस चेहरे को मौत जिंदगी के 20 दिन बाद ही चुभ ले। माँ इतनी असहाय हो कि वो एक आखिरी बार अपनी भीगी छाती से बच्चे को भींच कर रो भी ना सके। बाप और घर के लोगों को इसे एक आखिरी बार देखकर पुचकार पाने का हक तक ना मिल सके। कोरोना ने मौत को बेजान पुतलों से भी ज्यादा डरावना कर दिया है, लेकिन मौत का एक ऐसा दौर शायद ही पहले इन दरख्तों और मिट्टी की यादाश से गुजरा हो, जहां एक के बाद एक लोग दफन को तो आते रहे लेकिन अलविदा कहने वाले लोग, आखिरी नमाज पढ़ते हाथ और आखिरी बार देखने वाली नजरें जनाजों से नदारत हो गई हो। कोरोना की सच्चाई में एक मौत अस्पताल में भी अकेली है और दफने में भी। इस वायरस ने सचमुच मौत को और खौफनाक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मृत की संख्या एक सी हो गई है। जो परिजन हैं उनके भी वजूद एक से हो चुके हैं। एक जैसी मजबूरी, एक जैसी पोशाक, एक जैसी पीड़ा, एक जैसा भय। चार कंधों का नियम कब का बिखेर दिया है कोरोना की मौतों ने। इंसान अब नंबरों से पहचाना जा रहा है। परिजनों के पास इस नंबर वाली अछूत गठरिया के लिए कुछ थोड़ी बहुत रस्म अदायगी की गुंजाइश कभी कभी मिलती है। आखिरी बार ऐसे जाना, ऐसे जाने देना, कितनी असहनीय है ये पीड़ा। ऐसे लोग कम ही हैं जिन्हें परिजनों के हाथों मुखाग्नि नसीब हो सकी है। कितने ही शव ऐसे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया। शमशान घरों का आलम यह है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतकों की अस्थियों के ढेर लग गए हैं, कलश पर कलश रखे हैं और उन्हें विसर्जित करने वाला कोई नहीं है। समाज जिन नियमों को सदियों से मानता करता आया है वो विज्ञान से नहीं, कोरोना के अभिशाप से टूट रहे हैं। कोरोना की मौतें उन सारे नियमों को भी मृतक के साथ शमशान ले गई हो, जैसे मरने पर मोक्ष और मुक्ति के लिए नियम मानने वाले हाथ फिलहाल खुद डरकर दरवाजों के पीछे से मिट गए हैं। इंसान दरअसल सामाजिक रचनाओं में खेलने वाला जीव है, अकेलापन उसे सिर्फ व्याकुल करता है। इस व्याकुलता को भी कभी कभी शांति और स्थिरता के लिए विकल्प जैसे दिखता है, लेकिन शांति और स्थिरता न तो जीवन के स्थायी भाव है और ना ही अकेलापन। लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, परिजन उनकी मजारों पर चित्रों पर स्मृतियां टांगते हैं, लेकिन कोरोना की प्रतिलीला तक शायद ये भी भयावह है। कोरोना से मौत की संख्याओं में सिमट चुके लोग अब कहीं मिट्टी, कहीं धुआं होकर मुक्ति के नए व्योम में समा रहे हैं। इस आखिरी यात्रा में उनके साथ पारंपरिक भीड़ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ होने का कारण एक है, ये कारण धुआं बनकर एक साथ आसमान की ओर बढ़ रहा है। अपनों से दूर एक अनंत सच में जो मृत्यु ही तो है। विलाप के ये क्षण सदियों से अंतिम सांसों की साक्षी भाव रहे हैं। रोना प्राकृतिक है, सदा से है, जरूरी भी है, लेकिन रोते हुए चेहरे अब और अधिक असहाय हैं। ये कैसी त्रासद स्थिति है कि संक्रमण में घर के लोग ना माथे पर पट्टी बदल सकते, ना नब्ज पर हाथ रख सकते, ना दवा ना पानी का सहारा, एक स्पर्श स्पंदन या गर्माहट तक नहीं।
और भय में जीवन मांगती आंखें जब मौत में समा जाए तो ना मृतक को स्नान, न कंधा, न अर्थी, न मिट्टी, न विदा। कोरोना से ज्यादा कितनी ही बीमारियां रोज लोगों को निगल रही हैं, लेकिन मौत का इतना असहाय स्वरूप सच में इस सदी का अब तक का सबसे डरावना सच है। खौफ में जी रहे लोग क्या मरने की आसानी भी मांगना छोड़ दें?